हेलो गाइज, वेलकम बैक टू GTAvarsity गेम प्ले वीडियो। तो गाइज, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो अपनी GTAvarsity की गेम में एक सिंपल चीट कोड को यूज़ करते हुए अपनी GTAvarsity की गेम में ऑल व्हीकल्स जो हैं ले सकते हैं, वो भी एक चीट कोड को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों, उन व्हीकल में कौन कौन सी कार्स आती हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस GTAvarsity की गेम में टोटल जितनी कार्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, जिनमें टोटल कार आ गई, टोटल बाइक्स आ गई, टोटल हेलीकॉप्टर आ गए, टोटल बोट्स आ गई। तो इसके साथ साथ गाइस, हेडन्स जो कार वगैरह हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों, हेडन कार्स वो कौन सी हैं? तो दोस्तों, जिसमें मैं आपको बता दूं जो आपको मिशन कंप्लीट करने पे मिलती हैं। तो दोस्तों, चले यहाँ पे जो है उसका मैं चीट कोड मैंने टाइप कर दिया है, और ये देखें उस कार को जो है यूज़ करते हुए आपको इसका लुक वगैरह और थोड़ा गेम प्ले भी करके दिखा देता हूँ, और इसे यूज़ कैसे करना है और वो चीट कोड कौन सा है, मुकम्मल प्रोसेस जो है आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसे यूज करते हुए आप जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फेवरेट कार या बाइक या हेलीकॉप्टर जो है ले सकते हैं, और इसे अपनी GTAvarsity की गेम में इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको जो है इसका छोटा सा प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद जो है इसका चीट कोड भी बता दूंगा। तो सिंपली सॉरी गाइस, आपने क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मीडिया फायर की फाइल है, आप आसानी के साथ डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इस वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। जैसे गाइस, इस वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपके सामने एक न्यू आइकन आएगा, तो आपने उस पर डबल क्लिक करके उस वाले आइकन को ओपन कर लेना है। तो गाइस, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, ब्राउज़र पर क्लिक करके आपने अपनी GTAvarsity की गेम फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप जो है इस मोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने तकरीबन 10 सेकंड जो है वेट कर लेना है, ताकि आपका ये मोड जो है सक्सेसफुली आपकी गेम में इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे से यहाँ से इसे क्लोज कर देना है, इस वाले मोड को, और अपनी GTAvarsity की गेम को जो है स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों, लोडेड गेम, न्यू गेम, कहीं से भी आप जो है अपनी GTAvarsity की गेम को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है तो मैं आपको इसका चीट कोड भी बता देता हूं। तो दोस्तों, सिंपली आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप या कीबोर्ड से आपने यहां पे एक चीट कोड टाइप करना होगा। वो चीट कोड कौन सा है, G+H। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने ये सारी व्हीकल की लिस्ट आ जाएगी। तो इसे चेंज करने के लिए आपने बटन यूज़ करने है N और M को प्रेस करेंगे तो ये मतलब व्हीकल जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, और M को प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, जो कार आपने सिलेक्ट करनी है उसे यूज़ करते हुए आपने इंटर को प्रेस जैसे ही करेंगे तो ये टोमी जो है उस व्हीकल में बैठ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इंटर को जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये हेलीकॉप्टर में जो है बैठ चुका है। तो दोस्तों, अब आप अपनी GTAvarsity की गेम में कहीं भी किसी भी जगह पे जो है इस हेलीकॉप्टर, इस व्हीकल को यूज़ करते हुए अपनी GTAvarsity की गेम को इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि इस तरह की हमारी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो आप दोस्तों से मिस ना हो। तो दोस्तों, GTAvarsity से रिलेटेड दो वीडियो और जो है मैंने इंडस्ट्री पे लगा दी हैं, आप चाहें तो उनका भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।